हेलो फ्रेंड्स, के वेलकम टू आवर केवीओ स्पेशल चैनल। आज हम आपका एक इकोनॉमिक का टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जो कि है फाइव ईयर प्लान्स में आपका फर्स्ट आपका इकोनॉमिक सिस्टम आपको क्लियर करना है। तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर आउट कर देती हूँ। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? एक टाइप का सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसमें आपके रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद इन द सोसाइटी। कि आपको एक ये आपका एक सिस्टम होता है कि आप कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो बाकी सोसाइटी में। इसमें आपका फिर क्लियर हो जाता है, जिस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। आपको इन तीनों से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, देन उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे सोसाइटी के अंदर। ये आपका सारा का सारा जो होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। जो हमारा इकोनॉमिक का सिस्टम है और जो अभी आपने जो तीनों क्वेश्चंस देखे हैं, वो हमारा टोटली जो डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। मार्केट में कैसा डिमांड चल रहा है, कैसा सप्लाई चल रहा है, मतलब आपका गुड्स या है उनकी कैसी डिमांड है और कैसी सप्लाई है, तो आपका मार्केट के उस पर सारा का सारा इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड किया जाता है, उसके बाद ही आपका देखा जाता है। जैसे कि ये तीनों क्वेश्चंस का आपको इसी में हम इसमें आपको अच्छे से समझा देते हैं। फर्स्ट आपका आता है कैपिटलिस्ट। ये एक टाइप से इकोनॉमिक सिस्टम के आपके पार्ट है। फर्स्ट कैपिटलिस्ट, देन आपका सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट जो आपका आता है वो कैपिटलिस्ट आता है। ये आपका जो होता था हमारा, ये जो हमारा फाइव ईयर प्लान्स है उसके टॉपिक्स है। फाइव ईयर प्लान्स जो होते थे वो हमारे नेहरू जी के टाइम पे ही शुरू हो चुके थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम पे जो नेहरू जी हैं वो काफ़ी उनसे प्रभावित हुए थे दूसरे कंट्रीज़ से, जिससे कि जहाँ पे कि ये चीज़ें चलती थी। फर्स्टली वो जो ज़्यादा प्रभावित हुए थे वो रशिया से हुए थे। वहाँ पे जो था कि सारा का सारा उनकी कंट्री में गवर्नमेंट का रूल चलता था, तो उसी के बेसिस पे वो प्रभावित हुए थे। देन उन्होंने फर्स्ट तो सोशलिस्ट चलाया था, बट सोशलिस्ट इतना हमारा उसमें अच्छा नहीं चल पाया, तो इसीलिए उसके थोड़े से हमने अलग वो ढूंढे कि बेटर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट उसमें आपका कैपिटलिस्ट आता है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि इसमें ये बताया जाता है कि सोसाइटी में क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस होंगे एंड फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे पीपल्स के बीच में। What people need, but on the basis of purchasing power, the ability of to buy goods and services. तो कैपिटलिस्ट में क्या है आपका, जो सोसाइटी में गुड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, फर्स्ट उसको प्रोड्यूस करते हैं देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी परचेजिंग पावर पे, उनकी एबिलिटी पे नहीं, उसकी एबिलिटी देखी जाती है कि ये परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपका कैपिटलिस्ट में ये आता है। कैपिटलिस्ट मेनली क्या होता है, एक प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाया गया है, तो इसमें प्राइवेट को अहमियत ज़्यादा दी गई है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो सोशलिस्ट आता है। सोशलिस्ट आप जैसे कि नाम से ही देख सकते हो, सोशल, तो ये आपका जो होता है वो गवर्नमेंट बेस्ड होता है। इसमें मतलब आपकी गवर्नमेंट की चलती है। तो इसमें जो आपका देखा जाता है वो इसमें ये देखा जाता है, इट प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अ सोशलिस्ट सोसाइटी हैज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिंस एवरीथिंग इज़ ओन्ड बाय द स्टेट। आप इसमें देख के ही पता लगा रहे हो कि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं इंक्लूड होती, इसमें सारा का सारा स्टेट का होता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कुबा इन चाइना, मेनली जो फर्स्ट हुआ था वो रशिया का हुआ था, जो कि उस टाइम पे सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था और आपका USSR भी जाना जाता था। तो ये आपके दो नाम उसके आते हैं आपका। फिर सोवियत इसमें सोशलिस्ट में, सोशलिस्ट में यही आता है कि आपका गवर्नमेंट देखती है सारा का सारा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। फिर हमारा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। बिकॉज आपका जो गवर्नमेंट वाला जो प्लान था वो इतना चल नहीं पाया, तो उससे आपका गवर्नमेंट को ही थोड़ा सा घाटा होना शुरू हो गया था, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी भी डेवलप किए थे। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मेनली आपका हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर द थ्री क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द मार्केट विल प्रोवाइड असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू।
तो इसमें आपको सब कुछ प्रोड्यूस किया जाता है जो हमने पहले क्वेश्चंस पढ़े, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। तो ये आपके तीनों का आंसर इन्हीं तीन में आता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में ही आता है कि आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसको किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो वो आपका मार्केट के ऊपर ही डिपेंड होता है, मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और जो कम बिक रहा है तो उसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम होगी। क्योंकि आप अगर जिसकी कम प्रोडक्शन है उसी को ज़्यादा अगर आप प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो आपको ही बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए फिर ये सारा का सारा पहले ही प्लान, प्री प्लान होता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है, उसकी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सब इसका आपका प्री प्लान किया जाता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये सोशलिस्ट का एक और बना दिया है मैंने, जैसे कि इसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड। ये देखो आपने इसमें दिख गया होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड। मतलब पीपल को ज़रूरत किस चीज़ की है, ना कि हमें ये देखना है कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं, हमें उसमें ज़रूरत देखनी पड़ती है। तो इसीलिए सोशलिस्ट को ज़्यादा वो किया गया था, बट उसमें आपकी कमाई कुछ नहीं होती, इसीलिए सोशलिस्ट की जगह मिक्स्ड इकोनॉमी ज़्यादा चलती है अपने इंडिया में। नेक्स्ट ये आता है आपका फाइव ईयर प्लान्स। फाइव ईयर प्लान्स जो हमने, हमारा जो मेन टॉपिक है वो फाइव ईयर प्लान्स ही है, बस आपको ये था कि थोड़ा क्लियर आउट हो जाए कि फाइव ईयर प्लान्स किसके अकॉर्डिंग चलता है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया। फाइव ईयर प्लान्स में क्या होता है कि हर स्टेट, एक आपको पता ही होगा कि हर हमारी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल के लिए आती है, और वो 5 साल के अंडर में फिर अपना एक प्लान्स बनाती हैं कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उनके प्लान्स होंगे, तो वो प्लानिंग कर किए जाते हैं। तो फाइव ईयर प्लान्स जो होता है एक फिक्स 5 साल के लिए किया जाता है। रिसेंटली तो आपका फाइव ईयर प्लान नहीं चलता है, फाइव ईयर प्लान्स जो है वो आपका 2014 में ही, जैसे मोदी जी की एंट्री हुई थी तो उन्होंने बंद कर दिया था, जो फाइव ईयर प्लान्स हैं वो बंद हो चुके हैं। रिसेंटली जो आपका चलता है वो नीति आयोग चलता है, जो कि 2015 के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, वो भी हम पढ़ेंगे। बट फर्स्ट आपका मैं पहले ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि फाइव ईयर प्लान्स में होता क्या है, क्योंकि फाइव ईयर प्लान्स में आगे आपके गोल्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी काफ़ी आते हैं, कितने हमारे फाइव ईयर प्लान्स हैं, उनमें उनके एम्स क्या थे, उसमें क्या क्या आपको बताया गया था, कौन से ईयर में कौन सा हुआ था, तो आपका ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। और आपका इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आ जाता है, मतलब आपको बीच से कोई भी उठा दिया जाएगा कि कौन से प्लान में आपको क्या किया है, या फिर आपको बीच में से कुछ भी बता देंगे कि आपको कौन से साल में आपको कर दिया गया था। तो वैसे तो मैं बेसिकली बता दूँ आपको कि हमारे 12 फाइव ईयर प्लान्स हैं, बाकी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि अब देखते हैं कि प्लान एक्चुअली में होता क्या है। अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज़। रिसोर्सेज हमने देख लिया, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम हमें बताता है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है कितना नहीं, तो इसीलिए। बट हम प्लान में क्या करना है कि उन रिसोर्सेज को हम यूज़ कैसे करेंगे, ये हम प्लान करते हैं। तो इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विच आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इन इंडिया प्लान्स आर ऑफ 5 ईयर्स ड्यूरेशन एंड आर कॉल्ड 5 ईयर प्लान्स। तो वी बोरोड दिस फ्रॉम द सोवियत, ये मैंने आपको जैसे कि आपको बताया भी था, सोवियत यूनियन, जिसको हम आज के टाइम पे रशिया के नाम पे जानते हैं, हमने ये प्लान जो 5 ईयर प्लान्स हैं ये हमने उनसे बोरो किया हुआ है। जो हमारे बता रही थी मैं उस टाइम पे नेहरू जी थे, उन्होंने ही ये प्लान उनसे बोरो किया गया था। उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी वो किया था, कमेटीज़ भी बनाई गई थी, जिनमें से एक कमेटी है इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, जिसको आप ईपीसी जानते हैं, या फिर एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये दोनों की दोनों कमेटीज़ बनाई गई थी जिनके चेयरमैन खुद नेहरू जी ही थे। तो ईपीसी जो है वो 1948 में बनाई गई थी और एनडीसी जो है वो 1952 में बनाई गई थी। ये मैंने पेजेस में नहीं लिखा है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हो, बाय चांस आ भी सकता है। वैसे मेनली जो प्लानिंग हमारी होती है वो उसकी स्टार्टिंग 15 मार्च 1950 को हुई थी, ये शायद इसमें लिखा हो, चलो आपको मैं बाकी डिटेल में बता देती हूँ।
जैसे कि वी फाइंड डिफरेंट गोल्स बीइंग एम्फेसिस्ड इन डिफरेंट प्लान्स इन इंडिया. सारा जो है हर साल अलग अलग बनाया जाता, मतलब 5 साल का एक होता था, देन फिर आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए नेक्स्ट गवर्नमेंट आती थी वो चेंज कर देती थी, और ये सभी स्टेट को मानना भी होता था. नेहरू एंड मैनी अदर लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया सोट एन अल्टरनेटिव टू द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. बेसिकली सिंपैथाइजिंग विद द सोशलिस्ट आउटलुक, दे फाउंड द इकोनॉमी विद द प्राइवेट सेक्टर बीइंग एनकरेज टू बी द पार्ट ऑफ प्लान एफर्ट. जैसे कि देख रहे हो आप, जो नेहरू जी थे वो लीडर थे हमारे, वो मेनली जो चाहते थे वो सोशलिज्म चाहते थे, बट ऐसा नहीं हो पाया था, तो इसीलिए वो सारा का सारा जो है प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा, हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा कमा रही थी, इसीलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी लाना ज़रूरी समझा. जैसे कि ये रहा मैंने आपको बताया अभी था, इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप, जो उसका डेट है वो 15 मार्च 1950 तो वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन. हमारे चेयरपर्सन थे वो भी नेहरू जी थे. द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान हैड बिगिन. इस दिन हमारा 5 ईयर प्लान जो था वो बिगिन हो गया था, और इसका जो आपका एंडिंग भी है वो था 17th August 2014. अगर आपको डेट चाहिए है तो 17th August 2014 प्लानिंग कमीशन रिमूव हो चुका था. आवर फर्स्ट इकोनॉमिक प्लान कम आउट इन 1950 में प्लानिंग कमीशन शुरू हुआ था, एंड आपका जो फर्स्ट प्लान है वो 1951 में शुरू हो चुका था. इसकी गाइडेंस के अंडर हमारे जो थे जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गाइडिंग के अंडर. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टिंग दिस आउटलुक. तो 5 ईयर प्लान जो है डू नॉट स्पेल आउट हाउ मच एंड ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी प्रोड्यूस्ड. It is enough if the plan is specific about the sectors where it plays a commanding role, like power generation and irrigation. Power generation and irrigation इसमें इसलिए लिया गया है because आपका जब हमारा जो इंडिया था जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पे काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स देखनी फेस करनी पड़ी थी. उस टाइम पे हमारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी. तो जो हमारा 70-75% था इंडिया था वो टोटली एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, तो इसीलिए भी इनको 5 ईयर प्लान्स लाने बहुत ज़रूरी हो गए थे कि किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था. इसीलिए भी गवर्नमेंट ने ये सोशलिज्म ज़्यादा किया था कि भाई गवर्नमेंट ही ज़्यादा चले इंडिया में तो ज़्यादा बेटर है, इसीलिए प्लानिंग कमीशन्स भी बिठाई गई थी, तो सब उस इसके लिए ज़्यादा देखा गया था. जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, आवर प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन इन द 5 ईयर्स ऑफ अ प्लान, बट ऑल्सो वट इज़ टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. प्लान सिर्फ ये नहीं है कि आप 5 साल में क्या कर रहे हो, बाकी हमें ये भी देखना होता है कि आपने क्या क्या अचीव किया है 20 साल में. तो जो ये लॉन्ग टर्म का जो हमारा प्लान था इसको हम परस्पेक्टिव प्लान भी कहते हैं. जो आपके लंबे लंबे प्लान्स चलते हैं उनको हम परस्पेक्टिव प्लान भी कहा जाता है. The 5 year plans are supposed to provide the basis for the perspective plan. Perspective plans होते हैं लंबे होते हैं, आपका जो 5 year plan है वो आपका basis है उसके लिए. फाइव ईयर्स प्लान में काफ़ी मेनली जो आपने इसमें प्लान्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा, पर अभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है. एक ही वीडियो में मैं इसको पूरा भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप ये वाला टॉपिक भी क्लियर नहीं कर पाओगे. तो आप पहले इसे क्लियर कर लीजिए, इसके बाद हमारे गोल्स भी आते हैं, और उसके बाद आपको ईयर्स के बारे में भी बताया जाएगा कि कितने होते हैं और किस किस ईयर में कौन कौन सा प्लान आपका आया गया था. जैसे कि आपको मैं थोड़ा बहुत इसमें बता देती हूँ कि आपका, मैं बता रही थी जैसे कि आपको प्लानिंग कमीशन आपका नहीं है, नीति आयोग आ चुका है, तो वो किस लिए हुआ ये आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. जो हमारा होता है कि प्लान वैसे तो अच्छे के लिए किए गए थे कि कैसे हम बेटर यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का, और कैसे हम बेटर ग्रोथ हो सकती है हमारी कंट्री की, कैसे ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है. बट इसमें एक उनका वो भी था, डिमेरिट भी थी इसकी प्लान्स की, कि इसमें ये जो था मतलब हमारा जो ये प्लान्स है वो टॉप टू डाउन है, मतलब इसमें आपको ऊपर की पहले सोची जाती है, नीचे वाले लोगों की नहीं सोची जाती है. तो इसमें ये था, ये लोग फिक्स्ड कर देते थे कि किस सेक्टर में कितना परसेंट आपको लगाना है, कितना इन्वेस्ट करना है. ये स्टेट्स के बारे में कुछ नहीं सोचते थे कि भाई उस स्टेट को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है. बट जो नीति आयोग है वो डाउन टू टॉप बॉडी है, जो कि आपका 2015 में शुरू हो चुका था,
नीति आयोग में आपका पूछा जाता है कि भाई किस स्टेट को क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है। जैसे कि आपका, मैं बताती हूँ, जैसे कि आपका केरला है, केरला आपका एजुकेशन में ज़्यादा है, आप सबको पता होगा कि उसमें एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो जस्ट लाइक कि आपको केरला को है जो आपको ज़्यादा एजुकेशन के सिस्टम में ज़्यादा परसेंटेज नहीं चाहिए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अपना कुछ पार्ट किसी और सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो दूसरे सेक्टर को भी उठा सके। बट ऐसा नहीं होता था, बट प्लानिंग में जो उन्होंने फिक्स्ड कर दिया कि भाई आपको यही परसेंटेज उस एजुकेशन में लगाना है, तो वो लगाना होता था। बट अब नीति आयोग में ऐसा नहीं है, स्टेट से पूछा जाता है और कैसे कैसे उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग उनको बताया जाता है कि आपको कितना परसेंट उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, वो खुद करते हैं। सो ये बेस्ट है नीति आयोग के लिए, जो कि प्लानिंग में नहीं था। प्लानिंग में जो आपको मैंने दो कमेटीज़ भी बताई थी, मेनली जो थी ईपीसी वो स्टार्टिंग था, जिसमें जो कि गवर्नमेंट थी उसमें गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास करती थी क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं बनेगा या कैसे प्लान्स जो भी सब होता था। बट जो उसको फाइनल अप्रूवल जो देती थी वो एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि वो उस प्लान के ऊपर देख सके ये प्लान्स सही हैं या नहीं है। जब वो अप्रूवल देती थी तब उसके बाद ये प्लान्स जो थे अपने इंडिया में लागू होने शुरू हो जाते थे, जो कि 5 साल तक फिर आपके लागू किए जाते थे। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं गोल्स के बारे में क्लियर आउट कर दूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो।